शिमला जिला के सब तहसील मुख्यालय तकलीच में आयोजित रक्तदान शिविर का जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने शुभारंभ किया। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए आयुर्वेद एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी व उपमंडलीय रेड क्रॉस सोसाइटी रामपुर के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया ताकि चिकित्सालयों में रक्त की कमी महसूस न हो। इस दौरान जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने लोगों से कोरोना काल में रक्त की कमी को दूर करने के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। उन्होंने रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाले संस्थाओं का आभार भी व्यक्त किया। जिलाधीश ने इस दौरान दूर दराज की पंचायतों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए औपचारिक बैठक भी की और उनकी विभिन्न समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि रामपुर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को जानने व उनके निराकरण के लिए वे क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले पंचायत और अन्य संस्थाओं को भी उपमंडल अधिकारी के सौजन्य से प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। मैं आया हूँ रामपुर सब डिवीजन के। तो कल मैं सरान में था, वहाँ पे सरान में जो है वहाँ की स्थानीय पंचायतों के कुछ इश्यूज थे, वो उनके सुने और मौके पे उसको निपटाया। उसके अलावा सुबह जो है सरान से जो शाही कोटी होते हुए वो पूरा रूट देखा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया था ब्लड डोनेशन। आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के चेयरमैन कॉल नेगी ने बताया कि सोसाइटी समूचे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जाकर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इस मौके पर पहुंचकर इसका शुभारंभ किया है, जिसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी एवं सब डिविजनल रेड क्रॉस सोसाइटी रामपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज तकलीच में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में इस क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। रक्तदान शिविर आर्यव्रत सोसाइटी का ये चौथा रक्तदान शिविर है जो इस कोविड के संकट के काल में लगातार सोसाइटी द्वारा अलग अलग क्षेत्र में किया जा रहा है। हम सभी